हे गाइस, तो आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ हाइड्रा फेशियल करवाने। बहुतों से सुना है इस फेशियल के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट पहुँचाता है स्किन को, तो मैं भी जा रही हूँ उसको ही करवाने, हाइड्रा फेशियल। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ मेरा नियर बाई पार्लर में। तो हाइड्रा फेशियल को करवाने के पहले मैं यहाँ, ये मेरी फ्रेंड है बाय द वे, तो मैं इससे बेसिक सा नॉलेज ले रही थी कि ये क्या है और इसको क्यों कराना चाहिए और इसका एडवांटेज क्या है। तो हाइड्रा फेशियल बेसिकली स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, स्किन का जो डर्ट ऑयल, ये स्किन के पोर्स को डीपली क्लेंस करता है और कुछ नहीं। और इसको मशीन के थ्रू, कुछ इक्विपमेंट्स के थ्रू इस फेशियल को किया जाता है। तो यही है वो मशीन जिसके थ्रू फेशियल को किया जाएगा। तो सबसे पहले मेरे फेस में मेकअप था, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप वो क्लींजिंग यूज़ करी है मेरे फेस को, मेरे फेस के जो मेकअप को अच्छे से रिमूव कर ले, इसलिए कर पाए। उसके बाद ये डी टैन फेस पैक लगवा रही थी ताकि जो फेस का टैनिंग वगैरह वो अच्छे से रिमूव हो जाए। क्लिनिके ही गेसिलाम कथा बोलते हैं हाइड्रा फेशियल बेपारे। তো হ্যাঁ না, আমি ওর সাথে এই রিলেটেড তো কোনো কথাই বলিনি, আমি জাস্ট হাইড্রা ফেশিয়ালের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম। আর তারপরে হচ্ছে তোমার ওর প্রাইস তো আমাকে বললো আমার 5000 লাগবে, আর তারপরে বললো যে ক্লিনিকে এসে কথা বলতে। এবার আমি ক্লিনিকে যাব, আর যদি আমি হাইড্রা ফেশিয়ালটাই না করাই শুধু কথা বলে চলে আসবো সেটাও ভালো লাগবে না। अब यहाँ से फेशियल का सारा स्टेप स्टार्ट होता है। तो जो डी टैन पैक लगवाई थी वो 10 to 15 मिनट्स के बाद जैसे कि सूख गया, उसके बाद ये डी टैन पैक को वो रिमूव कर दी, मतलब मेरा फेस पूरा प्रेप हो गया, पूरा रेडी है फेशियल को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे फिर से वो दोबारा से डबल क्लिनजिंग कर रही है, तो फिर से दूसरा बार क्लिनजिंग लेके वो मेरे फेस को अच्छे से क्लिनज कर रही है। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप आता है वो हो गया एब्रशन। मतलब इस स्टेप में क्या होता है ना कि स्किन को बहुत डीपली, ये स्किन का पोर्स को अच्छे से डीपली क्लीन करता है ये मशीन के सहारे। मेरे स्किन का जो, मैं लिटरली इसको फील कर पा रही थी कि मेरे स्किन से बहुत ज़्यादा कुछ लाइक स्टक आउट हो रहा है। मेरे स्किन का जो डेड सेल्स है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सब कुछ बहुत अच्छे से रिमूव हो गया। और ये स्टेप को करने के बाद ही मेरा स्किन एकदम से बहुत स्मूथ फील कर रहा था। और यहाँ पे मैं फील कर पा रही थी कि मेरे स्किन से कुछ रिमूव हो रहा है। उसके बाद ये ऑक्सीजन स्प्रे वो मेरे फेस पे दे रही थी ताकि जो पूरा टोनिंग का ही काम कर रहा था। उसके बाद आता है स्क्रबिंग का, अब ये पार्ट हो गया स्क्रबिंग। हम लोग नॉर्मल जो स्क्रबिंग करते हैं वो हाथ के सहारे करते हैं, बट यहाँ पर इस इक्विपमेंट के हेल्प से मेरे फेस को थोड़ा सा मसाज देने के बाद वो ये यहाँ पे ये स्क्रबिंग कर रही थी। ये इक्विपमेंट के थ्रू ही वो स्क्रबिंग को कर रही थी ताकि, मतलब ये फेशियल ऐसा ही है कि हम यहाँ पे अपने हैंड्स का यूज़ नहीं करेंगे, सारा जो है वो इक्विपमेंट के सहारे ही करेंगे। तो स्क्रबिंग हो जाने के बाद यहाँ पे ये मसाज दे रही थी मेरे को। तो ये मसाज जो दे रही थी, ये इसका नाम है अल्ट्रासाउंड समथिंग, तो उसने ऐसा ही कहा मुझे। तो इसको वो जब मेरे फेस पे अच्छे से इसके सारे मसाज करी थी ना, तो मेरे फेस पे एक लाइक एक बर्निंग सेंसेशन हो रहा था और मसाज भी हुआ। उसके बाद बारी आती है फाइनल स्टेप, ये हो गया एक, ये फेस पैक है बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको जब वो मेरे फेस पे दे रही थी ना, मैं एक टाइम के लिए एकदम डर गई, क्योंकि पूरा आँख, फेस, फिर मेरा जो लिप्स वगैरह है पूरा क्लोज हो गया। और उसके बाद ये फेस पैक का जो नाम है, मतलब जिस इक्विपमेंट के थ्रू इसको किया जा रहा है, तो उसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसके बाद ये लाइट्स का भी यूज़ होगा मेरे फेस में। तो ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद एक कोल्ड हैमर नाम का इक्विपमेंट है, उससे जस्ट एक लाइटली मसाज दिया जाएगा, वो मैं एंड में दिखाऊँगी। तो इसको अच्छे से फेस पैक को फेस पे अप्लाई करने के बाद यही जो लाइट है, ये लाइट मास्क, इसको ही लगाया गया। इसका नाम है लिड लाइट। इसको देने के बाद ना मेरे फेस पे मैं एकदम से सांस भी नहीं ले पा रही थी, मुझे उस वक्त थोड़ा सा डर भी लग रहा था, मेरा आँख भी नहीं खुल रहा था ठीक से, सब कुछ एकदम टाइटली बंद हो गया था।
तो फाइनली 10 मिनट के बाद ये एकदम पील ऑफ की तरह ये मेरे फेस मास्क को से अच्छे से हटा दी। जब आँखों के पास से हटाया ना, मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हुआ। एंड उसके बाद यही है, इसका नाम कोल्ड हैमर। तो इससे जस्ट वो एक 5 मिनट्स का मसाज थी मेरे स्किन पर, मेरा जो फेशियल है वो कंप्लीट हो गया। रिजल्ट तो सच में अच्छा था, इसको हाइड्राफेशियल के बाद स्किन सच में ग्लो कर रहा था। सो गाइस, रिव्यू की बात करूँ ना तो मेरा स्किन सच में बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है इस फेशियल को लेने के बाद, और मेरे स्किन एकदम स्मूथ भी हो गया है। बहुत ज़्यादा स्किन का जितना सारा डेड स्किन्स है वो रिमूव हो गया, उसके बाद ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स वो भी बहुत हद तक रिमूव हो चुका है। स्किन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला। और इस फेशियल का जो मुझे कॉस्ट पड़ा था अराउंड 2500 पड़ा था। इसका कॉस्ट वाइज ये थोड़ा कॉस्टली है, आई नो थोड़ा सा ये हाइड्राफेशियल कॉस्टली है, बट येट इफ़ेक्टिव, तो कर सकते हो। आई एम हैप्पी विथ माई फेशियल, मेरे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है।